Good morning to all. Welcome to the TSN school. Today I am going to explain class 10 science chapter number 16, sustainable management of natural resources. Natural resources are the resources available in a nature like air, water, sunlight, soil, minerals, forests, wildlife, etc. Natural resources वो resources होते हैं बेटे जो कि प्रकृति के द्वारा हमें दिए गए होते हैं. इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि प्रकृति प्रदत्त जो रिसोर्सेज हैं उन्हें हम नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं. जैसे कि हवा, पानी, सूरज की रोशनी, सॉइल यानी मिट्टी, मिनरल्स और फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, ये सभी जो हैं नेचुरल रिसोर्सेज कहलाते हैं. नेचुरल रिसोर्सेज आर टू मेन टाइप. दे आर रिन्यूएबल एंड द नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज. जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं बेटे ये टू टाइप्स के होते हैं. रिन्यूएबल यानी कि नवकरणीय स्रोत और नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज यानी कि ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज जो कि वापस से नहीं बन सकते. ये जो क्वेश्चन है ये आपका यहाँ पे 1.5 मार्क्स से लेकर 3 मार्क्स का क्वेश्चन पुट अप हो रहा है कि नेचुरल रिसोर्सेज किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं. ओके, नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द टाइप ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज. फर्स्ट है रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज, दोज रिसोर्सेज विच कैन बी रिप्लेनिश इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम लाइक एयर, वाटर, सनलाइट, फॉरेस्ट एक्सेट्रा. रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज को आप ये कह सकते हैं कि या तो ये कभी ख़त्म ही नहीं होंगे, जैसे कि एयर, वाटर और सनलाइट. सनलाइट हमें करोड़ों सालों से ऐसे ही मिल रही है और आगे भी ऐसे ही मिलती रहेगी. इसके अलावा यदि हम पीने के पानी के स्रोत की बात को नेग्लेक्ट करें और केवल हम पृथ्वी के ऊपर जितना परसेंट वाटर प्रेजेंट है यदि हम उसकी बात करें तो पृथ्वी पे पहले भी पानी था और अभी भी है और आगे इन फ्यूचर भी रहेगा. ठीक है, इसके अलावा फॉरेस्ट को हम रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज के अंदर ही लेते हैं. वो इसलिए क्योंकि यदि हम एक प्लांट को काट रहे हैं हमारे उपयोग के लिए तो यदि हम उस एक की जगह पे दो नए पौधे लगाएंगे या पांच नए पौधे लगाएंगे तो कभी भी पृथ्वी पर इनकी कमी नहीं होगी. लेकिन ह्यूमन बींग क्या कर रहे हैं, केवल उनका दोहन कर रहे हैं, उन्हें काम में ले रहे हैं, उसे वापस से नए प्लांट्स नहीं लगा रहे हैं. ठीक है, तो यदि इस तरीके से उपयोग किया जाए कि हम काम में ले रहे हैं और वापस से हम और प्लांट लगा रहे हैं तो आने वाली जनरेशन को मिलेंगे. तो इसके अकॉर्डिंग फॉरेस्ट को हम किस में लेंगे, रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज के अंदर लेंगे. नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास में नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज जो कि प्रकृति से हमें अभी मिल रहे हैं लेकिन यदि हम उसका अविवेकपूर्ण रूप से दोहन करते ही रहेंगे तो एक वक्त ऐसा आएगा जिसके अंदर वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएंगे और हमारी आने वाली जनरेशन को वो नेचुरल रिसोर्सेज काम में मिल ही नहीं पाएंगे, वो कभी काम में ले ही नहीं पाएंगे क्योंकि प्रकृति के ऊपर उसकी उपलब्धता ही ख़त्म हो जाएगी. तो ऐसे रिसोर्सेज कहलाते हैं नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज. रिसोर्सेज विच कैन नॉट बी रिप्लेनिश्ड इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ द टाइम लाइक मिनरल्स, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, मेटल्स, बिकॉज दे टेक मिलियंस ऑफ ईयर्स टू बी फॉर्म. क्लास 8 में चैप्टर नंबर 5 कोल एंड पेट्रोलियम दिया गया है और कई बार मैंने आपको बताया है कि हमारे पास 10th में बहुत सारे चैप्टर ऐसे हैं जो कि क्लास 8 के साइंस की बुक से कनेक्टेड हैं, है ना. हमने थोड़ा फर्स्ट पार्ट वहाँ पे स्टडी किया और उससे ज़्यादा जो है वो हम क्लास 10th के अंदर स्टडी कर रहे हैं. तो वहाँ पर कोल एंड पेट्रोलियम की हिस्ट्री दी है और वहाँ पर ये बताया गया है कि किस तरीके से प्रकृति के अंदर अर्थ के अंदर से हमें कोल एंड पेट्रोलियम मिल रहा है. तो वहाँ पर ये हिस्ट्री के अंदर बताया गया, ये जो टॉपिक है वो साइंस के उस लेसन में बताया गया है कि करोड़ों साल पहले जो वाटर एनिमल्स थे उनके पृथ्वी के नीचे चले जाने की वजह से जो भूकंप आया था जिसकी वजह से वो नीचे चले गए थे और जो वेजिटेटिव पार्ट था प्लांट्स का उसकी वजह से हमें कोल और पेट्रोलियम मिल रहा है. तो यदि हमने अविवेकपूर्ण रूप से इनका दोहन कंटिन्यू रखा, हम इसको इसी तरीके से काम में लेते गए तो एक टाइम ऐसा आएगा जब ये पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएंगे और आने वाली जनरेशन को ये काम में लेने के लिए मिल ही नहीं पाएगा. नेक्स्ट है हमारे पास में
ह्यूमन एक्टिविटी प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ द वेस्ट मटेरियल विच आर थ्रोन अवे इन टू द एनवायरमेंट. दीज वेस्टेज कॉज पॉल्यूशन ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज लाइक एयर, वाटर एंड सॉइल. ये जो पार्ट है ये चैप्टर नंबर 15 के अंदर आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया गया है कि किस तरीके से ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से जो वेस्ट है वो प्रोड्यूस होता है और उसका निस्तारण किस तरीके से किया जाता है. द थ्री आर इज टू सेव द एनवायरमेंट. ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटे, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है ये. तो अभी तक जो जितना मैंने आपको PDF शो किया है उसमें थ्री क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट निकल गए. फर्स्ट, डेफिनेशन ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज, टाइप्स ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज, एंड थर्ड इज द थ्री, एक्सप्लेन द थ्री आर टू सेव द एनवायरमेंट. फर्स्ट आर है रिड्यूस, सेकेंड इज रीयूज, एंड द थर्ड इज रिसाइकिल. द थ्री आर इज सेव द एनवायरमेंट आर रिड्यूस, रिसाइकिल एंड रीयूज. तो क्या क्या है इनका मीन्स क्या है वो देखते हैं. रिड्यूस मीन्स यूजिंग लेस ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड अवॉइडिंग वेस्टेज ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज. रिड्यूस का मतलब है कि जो नेचुरल रिसोर्सेज है उसका हमें कम से कम काम में लेना है, कम से कम दोहन करना है और विवेकपूर्ण रूप से यानी सोच समझ के हमें उन्हें काम में लेना है. सेकेंड है रिसाइकिल, मीन्स द मटेरियल लाइक पेपर, प्लास्टिक, ग्लास, मेटल्स एक्सेट्रा यूज ऑफ द मेकिंग थिंग्स कैन अगेन बी यूज फॉर मेकिंग न्यू थिंग्स. इंस्टेंट ऑफ द सिंथेसाइजिंग ऑफ द एक्सट्रैक्टिंग न्यू पेपर, प्लास्टिक, ग्लास और मेटल्स. तो जो सेकेंड टॉपिक है आपका रिसाइकिल, उसमें बताया गया है कि जो प्रोडक्ट हमने काम में ले लिए जो कि प्लास्टिक से, पेपर से, ग्लास से या मेटल से बने हुए हैं, यदि हमने उनको एक बार काम में ले लिया है तो वापस से दूसरे काम के अंदर भी हम उसे काम में लें, है ना. फॉर एग्जांपल कि आपके घर में जैम आता है तो जैम की जो बॉटल होती है वो किसकी बनी हुई होती है बेटे, ऑफकोर्स ग्लास की बनी हुई है, कांच की बनी हुई है. तो जब जैम ख़त्म हो गया है तो उसके अंदर हम कोई भी किचन का मटेरियल है वो हम उसमें स्टोर करके रख सकते हैं, ठीक है. इसी तरीके से प्लास्टिक कंटेनर है वो किसी एक काम में आ गया है तो सेकंड घर में जो प्लांट्स लगे हुए हैं उनको पानी डालने के लिए हम उसे काम में ले सकते हैं. तो इसी तरीके से हमें क्या करना है, अगर जो भी फर्स्ट पार्ट वन टाइम में हमने उसे काम में ले लिया है तो उसी मटेरियल से बने हुए उस पार्ट को हमें किसी और काम के अंदर भी लेना है तो ये कहलाता है रिसाइकिल. नेक्स्ट है हमारे पास में रीयूज, मीन्स द थिंग्स अगेन एंड अगेन लाइक द प्लास्टिक बॉटल्स इन विच वी बाय जैम स्पीकर्स एक्सेट्रा कैन बी अगेन यूज फॉर स्टोरिंग थिंग्स द किचन. रीयूज का मतलब वही हुआ कि आपको उसे वापस से काम में लेना है. और रिसाइकिलिंग के अंदर क्या होगा कि हम उसको प्रोडक्ट को पूरी तरीके से वापस से बनाएंगे, है ना. जैसे कि मान लीजिए आपके पास न्यूज़पेपर है तो न्यूज़पेपर जब हम लोगों ने पढ़ लिया तो उसके बाद में क्या है, वो तो नेक्स्ट डे के लिए किसी काम का नहीं है. तो हम उसे क्या करेंगे कि उससे दूसरे तरीके के पेपर्स बनाए जाते हैं. आपको अच्छे से पता होगा कि भाई उन्हें वाटर के अंदर डिप करके रखा जाता है, फिर उसके बाद में उसकी लुगदी बनाई जाती है और फिर नया वाला जो पेपर है उसका फॉर्मेशन किया जाता है. तो उसकी क्वालिटी भले थोड़ी सी डाउन टाइप की होती है लेकिन हम उसे और दूसरे कामों के अंदर ले सकते हैं, उसमें प्रैक्टिस पेपर हम बना सकते हैं, उसके ऊपर प्रैक्टिस कर सकते हैं हम, ठीक है. तो इस तरीके से ये जो थिंग्स है ये क्या कहलाती है, रिसाइकिलिंग कहलाती है. तो थ्री आर हो गए हमारे पास में, वो थ्री आर कौन कौन से थे, रिड्यूस, रीयूज एंड द रिसाइकिल. इसके बाद में है आपके पास नेक्स्ट है ऑल द थिंग्स वी यूज एंड कंज्यूम आर ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज ड्यू टू द इंक्रीज इन पॉपुलेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड द अर्बनाइजेशन. द डिमांड फॉर नेचुरल रिसोर्सेज इज इंक्रीजिंग एंड देयर अवेलेबिलिटी इज लिमिटेड. तो मेन बात यहाँ पे बताई गई है कि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है तो जनसंख्या की मांग भी बढ़ती जा रही है. यदि उन्हें सभी तरह की सुविधाएं मुहैया करवानी है तो नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ जो है वो अधिक मात्रा में किया जा रहा है, ठीक है ना. तो नेचुरल रिसोर्सेज की जो डिमांड है वो बढ़ती जा रही है क्योंकि पॉपुलेशन भी बढ़ती जा रही है इसीलिए. सो देयर इज अ नीड फॉर प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज. द प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज कंसिस्ट ऑफ जुडिशियस यूज ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज एंड अवॉइडिंग वेस्टेज ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज. तो यहाँ पे बताया गया है कि यदि ऐसी कंडीशन कंटिन्यू रहती है तो हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे.
तो वो स्टेप्स कौन कौन से हैं? फर्स्ट स्टेप इसके अंदर दिया गया है कि जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसका विवेकपूर्ण रूप से दोहन किया जाए, यानी जब बिल्कुल बहुत अर्जेंटली है कि अभी हम इसे यूज़ करना ही पड़ेगा हमें, तो हमें उनका यूज़ करना है। बाकी जहाँ तक वो अवॉइड करना है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट है लॉन्ग टर्म प्लानिंग फॉर द यूज़ ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज सो दैट इट्स लास्ट नॉट ओनली फॉर द प्रेजेंट बट ऑल्सो फॉर फ्यूचर जनरेशन। सेकेंड कह रहा है कि हमें लॉन्ग प्लानिंग करनी पड़ेगी इनके यूज़ की, ताकि अभी की जनरेशन ही नहीं जो आने वाली पीढ़ी है वो भी इसका यूज़ कर सके। द एक्सप्लोनेशन ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज शुड नॉट बी फॉर द बेनिफिट फॉर अ फ्यू पीपल बट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वलिटी फॉर ऑल। यदि नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ किया जा रहा है तो किसी एक व्यक्ति की उसके अंदर भलाई ना हो, यूजफुलनेस किसी एक पर्सन की ना हो, बल्कि एक से ज़्यादा लोगों को उसके अंदर बेनिफिट हो रहा हो। द एक्सप्लेनेशन ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज शुड नॉट बी फॉर द बेनिफिट फॉर अ फ्यू पीपल बट शुड बी अ डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वलिटी फॉर ऑल। वाइल एक्सट्रैक्टिंग एंड यूजिंग नेचुरल रिसोर्सेज वी शुड ऑल्सो प्लान फॉर अ सेफ डिस्पोजल ऑफ वेस्ट सो दैट नो डैमेज इज कॉज टू द एनवायरमेंट। यदि हम डिस्पोजल का यूज़ कर रहे हैं तो हमें ऐसे डिस्पोजल का यूज़ करना है जिसका कि हम आगे जाके जब उसे काम में नहीं ले रहे हैं, जब हम उसे आगे जाके डिस्पोज करेंगे तो वो बहुत सेफली हो, वो वर्क बहुत सेफली हो, ताकि एनवायरनमेंट को किसी भी तरीके से नुकसान नहीं पहुंचे। तो हमें क्या करना है जो कि उसका पहले से ही प्लानिंग करनी है कि प्लान फॉर द सेफ डिस्पोजल ऑफ द वेस्ट सो दैट नो डैमेज इज कॉज ऑफ द एनवायरनमेंट। यदि हमारी ह्यूमन गतिविधियों से, ह्यूमन एक्टिविटी से जो वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है, उस वेस्ट का भी सही तरीके से निस्तारण करना है, ताकि हमारे एनवायरनमेंट को किसी भी तरीके का नुकसान नहीं पहुंचे। तो ये जो चैप्टर नंबर 16 था, इसके अंदर हम लोगों ने जो टॉपिक स्टार्ट करे, उस टॉपिक के अंदर अभी तक में 4 to 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पुट अप हो रहे हैं। आई होप कि अभी तक का टॉपिक आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। नेक्स्ट पार्ट, आगे का पार्ट जो है वो हमारे नेक्स्ट पार्ट के अंदर कंप्लीट करेंगे। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।